तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो भाई आज दिन है संडे का और आपको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से संडे की मुबारकबाद। भाई जुमे की मुबारकबाद तो सभी देते हैं, मगर हमारी फैमिली की तरफ से आपको संडे की मुबारकबाद भी मिल चुकी है। तो भाई आज अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं जा रहा हूँ अपने किसी ज़रूरी काम से, और भाई यहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। तो मेरी जिम में गाइस 50-50 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इससे पहले कोई आके उनको लूट ले मुझसे। तो भाई सन्नाटे को देखते हुए हम फटाफट अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं फटाफट यहाँ से। और आप लोगों को पता है कि अभी फातिमा का मोबाइल आ चुका है, तो इससे आगे का ब्लॉग जो है फातिमा स्टार्ट करेंगी। हम मिलेंगे आपसे आगे तकरीबन 12 बजे के बाद। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज दिन है संडे का, तो बच्चे इसलिए सो रहे हैं आज। मैं उठ चुकी हूँ सोकर, फटाफट से मैं काम निपटा लेती हूँ। मैंने व्लॉग शुरू कर दिया अपने नए वाले मोबाइल से, तो देखते हैं आज मैं अपने नए वाले मोबाइल से वीडियो बनाकर देखती हूँ कि कैसी बनती है वीडियो। तो चलिए गाइस बने रहिए आप हमारे साथ। तो देखिए गाइस अभी हमारा घर सारा फैला पड़ा है और मुझे अभी करनी है घर की क्लीनिंग। सब जगह फैला हुआ हो रहा है और बच्चे हैं उधर रूम में सो रहे हैं अभी। ये देखिए तीनों सो रहे हैं, जोहान, हानिया और रियान। 6 hours later। तो गाइस सुबह के बज रहे 11:30 और मैं घर पे आ चुका हूँ वापस। और भाई आते के साथ ही मुझे फातिमा ने यहाँ पे सुबह सुबह कलाकंद खाने के लिए दिया है। तो इतने पराठे बने, इतने काम चलाते हैं कलाकंद से। कलाकंद के बारे में तो गाइस मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने अपने घर के अंदर ट्राई कराओ तो फातिमा जितना ये गर्म होकर बढ़िया लग रहा है ना ठंडा, तो मतलब उस दिन रात में तुमने फ्रिज में रख दिया था ना इसको, तो ठंडे में ना इसकी एकदम मिठास कम हो गई थी। अभी गाइस फातिमा ने इसे माइक्रोवेव के अंदर गर्म करा है, तो ये थोड़ा सा मेल्ट भी हो गया है, जम भी रहा है। हाँ ठंड के अंदर जम। उनका फ्रिज अलग होता है अभी हलवाइयों का, उसका कुछ टेम्परेचर का सिस्टम अलग होता है, ये हमारे फ्रिज के अंदर ये जम रहा है। तो भाई गाइस इसके इसे ना आप लोग गर्म करके खाएं जब भी खाएं, अगर किसी ने बनाया हो अपने घर के अंदर। अभी फातिमा अभी ये पता ही नहीं किसी ने बनाया नहीं बनाया, तो भाई घर में ट्राई जरूर करिएगा इसको। और भाई यहाँ पर अभी हमारा हल्का फुल्का सा नाश्ता आ चुका है, वही हमारे पुराने कपों के अंदर, इंशाल्लाह ये कप भी बदले जाएंगे जल्द से जल्द। हाँ भी फातिमा, व्लॉग तो आज तुमने शुरू करा था, कैसा लगा अपने मोबाइल से व्लॉग शुरू करके? हाँ तो गाइस मैंने व्लॉग शुरू कर दिया था, ये तो थे नहीं, ये गए हुए थे। अब देखो अब सहूलत हो जाएगी, मतलब अगर मैं नहीं हूँ तो तुम व्लॉग शुरू कर सकती हो। पहले ये होता था कभी मैं, मतलब आपने मेरे मोबाइल से कल लेकर डाला था। हाँ सही आ गया, सही आया, बिल्कुल सही आया। तो असल में चक्कर ये था ना कि अगर मैं चले जाता था तो फिर ये होता था कि भैया मैं 2-3 बजे आ रहा हूँ, ब्लॉग शुरू करूँ नहीं करूँ, हाँ रही जाता था फिर वो। तो गाइस इंशाल्लाह कोशिश रखेंगे कि भाई ब्लॉग हमारे अब डेली आए, कभी फातिमा ने शुरू कर लिया कभी मैंने शुरू कर लिया इस तरीके से। और वैसे मैं सुबह 8 बजे नहीं 7 बजे गया था, मैंने सुबह सुबह टाइम दिखा दिया है वीडियो के अंदर, 7 बजे में निकल गया था यहाँ से। हाँ हाँ फातिमा से मैंने बोला गेट बंद कर दो, फातिमा की आँखें नहीं खुल रही थी। तो ठीक है गाइस अभी यहाँ पे कर देते हैं हल्का फुल्का सा नाश्ता, पापे हैं और यहाँ पे मलाई। अभी रुजा पहले ये खा लूं, इसे खत्म करूंगा, ये बहुत जागेगा हो रहा है। A few moments later। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को बताया भी दिन संडे का है आज, और आज आप ही और भाई साहब आने वाले थे बाड़ा हिंदू राव से, मगर जब वो लोग नहीं आए तो हमने उनका इंतजार कराया अभी 3:30 बजे तक। तो हमने फिर फोन करा कि भाई साहब क्यों नहीं आया, तो वही पता चला कि आप ही की तबीयत थोड़ी सी नासाज है। तो भाई हमने सोचा, हमने क्या सोचा, फातिमा मैडम ने एडवाइस दी कि चलो हम चल रहे हैं आप ही की तबीयत पूछने के लिए, तो इस बार आने से फातिमा को घूमना भी हो जाएगा। अभी आज सोचा है कि हम लोग जा रहे हैं अभी बाड़ा हिंदू राव, आप की तबीयत भी पूछेंगे, और अगर ब्लॉग ठीक ठाक सब बन गया तो इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाएगा। ओके अभी मिलते हैं आप लोगों से बाड़ा पहुँचने के बाद। चलो फातिमा तुमने तो हेलमेट यहीं से ऐसे लगा लिए थे जीने पे खड़े में चालन काटने के लिए, हैं फातिमा जीने पे खड़े में चालन काटने। लाइट खोल देना मगरिब के टाइम, मगरिब से पहले आने की कोशिश करेंगे वैसे हम। ये वाली भी खोल देना, ये वाली भी। चलो भाई अल्लाह हाफिज़, आ जाओ हानिया जल्दी से भाग जाओ, आ जाओ कहाँ जा रही है अभी फूफो की तबीयत पूछने। हेलो कर दो सबको हेलो। तो भाई गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं आप ही के फ्लैट पे, गेट बंद है, तबीयत ज़्यादा नासाज है शायद, जो गेट वेट सब बंद है। हाँ बेल गाय शायद, बेल भी बजाओ गेट भी बजाओ। भाई साहब आएंगे, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। कहाँ है भाई आप ही की तबीयत हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, आप ही सो गए उठ रही हो, हम तो तबीयत पूछने आ गए। क्या हो गया, बस बुखार किसी हो भी रही है, अभी नहाने की वजह से बचना चाह रही थी। है भाई साहब तबीयत खराब हो रही है, ये नहाने की वजह से ड्रामा कर रही है। अच्छा चलो भैया हम पहुँच चुके हैं अभी बाड़िंद्र, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखिए यहाँ पे नाश्ता लग चुका है, भाई सब लाए बटे, मैं कुछ नहीं खा रही और कचौरी।
ये पकौड़ी की पकौड़ी खाऊंगी। और आप ही हमारे से हमारे आने से खुश हो चुकी हैं, बोर हो रही थी आप भी, और ये बोर हो रही थी असल में। बटे की बोटी खाऊंगी, बटे की बोटी, बटे की बोटी। हानिया यहाँ आ जाओ दस खान पे, अभी बाड़े इंदिरा में ना ये कचौरी बड़ी बहुत फेमस है भाई हमारे एरिया में। और ये इसका सालन आलू का। उम्मा कर दो पुप्पो के, पुप्पो की तबीयत बिल्कुल सही कर दो। नहीं पास आके करो भाई, हाँ नहीं पास आके करो, पास आके पुप्पो को। से अपना कूलर हटा रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी जगह भी खुल जाएगी और मौसम हो रहा है बहुत बेहतरीन, मतलब ठंड की जो स्मेल होती है ना जैसे फूलों की आती है, वो आनी शुरू हो गई अभी। हमने सोचा था कूलर को ऐसे ही उठा के उधर पहुंचा देंगे और इसको खाली कर देंगे, मगर अभी ये काफी भारी सा लगने रहा, दिख भी रहा है काफी भारी सा। तो चलो हमारे साथ चलता नहीं है, हमारे साथ नहीं आया ना किसी भी काम में, गाइस हार्ट नहीं बटवा आज मेरा, अल्लाह मेरा इतना भारी हो रहा है, उठा लो ऐसे जाएगा। गाइस देखिए यहाँ पे कूलर की धुलाई करने लगे हैं, आप धो के रख देंगे, सुबह को ये सूखा हुआ मिलेगा हमें। आप धो दिया फिर सुबह को ना तो वहाँ ऊपर चढ़ा देंगे। सर्दियों में गाइस मजा आया करेगा वहाँ पे बैठ के, शाम में चाय पियो मूंगफली खाओ, रबड़ी गज्जक खाओ। यहाँ पे कर रहे हैं सफाई, अरे कर क्या रहे, करवाई जा रही है जबरदस्ती और तो गाइस देखिए दोपहर के बज रहे हैं 1 और जोहर की अजान हो रही है और रियान जोहान जा रहे हैं माशाल्लाह से नमाज पढ़ने जोहर की। जोहान आप वजू कर रहे हो बेटा, कहाँ चले गए? सब काम निमट गया है मेरा, सारे कमरे साफ सुथरे हो गए हैं और यहाँ पे ये कर रहे हैं एडिटिंग बैठे हुए। सलाम करो भाई, दिन है मंडे का भाई और दोपहर का बज चुका है डेढ़ नहीं एक बज गया है, हम भूखे बंगाली बैठे हुए यहाँ पे, आज नाश्ता भी नहीं मिला भाई। क्या है नाश्ते के अंदर? बेसन की रोटी, बहुत तरीकी बेसन के लड्डू बनाओ ना। अबे यार तुम्हारी मिठाई वो मोबाइल आया तुमने मिठाई भी नहीं बांटी, मिठाई बांटी का नहीं मिठाई बनाई नहीं, बनाई थी कलाकंद बनाई नहीं, कलाकंद मोबाइल आने से पहले बन चुका था। अब कुछ बढ़िया से मिठाई बनाओ, मोबाइल नहीं पूछी मैं। चलो इंशाल्लाह जल्दी एडिटिंग, कल वाला जो ब्लॉग था हमारा संडे का वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, उसको सेट कर रहा हूं अभी। नेक्स्ट ब्लॉग हमने यहां से स्टार्ट कर दिया अपना, बने रहिए भी हमारे साथ। और गाइस देखिए मैंने कूलर अभी यहां पे सेट कर दिया है, गैलरी कर दी है मैंने बिल्कुल क्लीन, साफ हो गई है गैलरी बिल्कुल, और मैं अपने ही मोबाइल से वीडियो बना रही हूं। बढ़िया लगा, दुकान खुलवा दूं यहां पे, सही रहने का बात ना। हां इतने बच्चे नमाज पढ़ के आएंगे, इतने मैं बना लेती हूं बेसन की रोटी और मठा और हरी चटनी अचार, आज देसी खाना बना के खिलाती हूं। वाह मजा आ गया, गन्ने और मंगा लेना, गन्ने यानी मिल गए। ध्यान से जाना बेटा, दोनों दुआ पढ़ लो। तो गाइस अभी दोपहर का 1:30 बज चुका है और अभी नाश्ते का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है, चलते किचन में और देखते हैं कि हमारे लिए फातिमा मैडम नाश्ता बना भी रही है या आज हमें बातों में ही रखा जा रहा है सुबह से कि अभी नाश्ता आएगा अभी नाश्ता आएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा रानी बच्चा भी नहा धो के तैयार होकर आ चुका है, तो गाइस यहाँ पे रानी बच्ची जो है वो नहा धो के तैयार होकर मेरे पास आ चुकी है अभी। और भाई एडिटिंग में कर रहा था गाइस क्योंकि कल वाला ब्लॉग है ना हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया था, क्योंकि पता नहीं था हमें अचानक जाना पड़ा बाड़ा हिंदुराव आप ही की तबीयत मालूम करने के लिए, हालांकि उन दोनों को शादी में जाना था कल शाम ओखला, तो आप ही तबियत खैर सही हो गई थी, दवाई उन्होंने हमारे सामने खाई उसके बाद वो लोग शादी में चले गए, हम लोग इधर आ गए थे 8:30 बजे तक, आकर बाद मैंने भिंडी विंडी बनाई, मैंने यहाँ की कूलर की सफाई वगैरह करी सब कुछ, तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्लॉग हमारा बिगड़ गया था। पर गाइस आज मंडे का दिन है, हमने अपना ब्लॉग दोबारा से स्टार्ट कर लिया है यहाँ से। आनी इधर तो देखो मेरी रानी नींद आ रही है, आप थोड़ी सी सो के उठे ना गाइस, इस वजह थोड़ी सुस्त हो रही है बच्ची है ना भाई, अभी सो के उठा नहीं बच्चा इस वजह थोड़ा सा ढीला ढीला महसूस कर रहा है अभी, ये रानी अभी थोड़ी देर में सेट हो जाएगी बिल्कुल।
तो गाइस कौन कौन तैयार है भाई हमारे साथ इस जगह पे बैठ के धूप सेकने के लिए, और यहाँ से मतलब सर्दियों के अंदर गाइस इतनी ज़बरदस्त धूप आया करेगी। देखिए वो रहा सूरज, आप लोगों को शायद नज़र ना आ रहा हो, सूरज इतनी तेज़ धूप मार रहा है यहाँ पे, मगर अभी तो खैर थोड़ी सी गर्मी लग रही है, मगर जैसे ही मौसम अच्छा होगा ना बेहतरीन हो जाएगा। तो मैं ये कूलर भी हटा दूंगा आज शाम तक, बिल्कुल एकदम ये जो गैलरी है ना इसको कर देंगे क्लीन बिल्कुल। और भाई यहाँ पे फातिमा मैडम के पास चलते हैं। और अच्छा एक बात तो बताओ, तुम उधर मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करके, मोबाइल यहाँ से गिर रहा था, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मैं तमाम ये बना रही हूँ वो बना रही हूँ, एक बजे से तुमने 1:45 बजा दिए हैं यहाँ पे हैं, देखना गाइस 1:45 बज रहे हैं, और पता है मतलब मेरी भूख के मारे क्या हालत हो रही है, हैं बना रही हूं, भाई बना रही हूं कि तैयार कुछ तो दे दो, कुछ होगा थर्माकोल दे दो खाने को, कुछ तो घर के अंदर होगा ऐसा। गाइस कल भी हमने शुरुआत अपने नाश्ते की कलगन से करी थी, और आज भी भाई फातिमा मैंने तो सारा सारा कलगन खा लिया, पेट मेरा भर चुका है, अब चाहे तुम मुझे 5-7 दिन भी नहीं दोगी ना खाना तो चल जाएगा। तो भाई गाइस यहाँ पे हमारे जो है ना पराठे बनने जा रहे हैं बेसन वाले, जबरदस्त एकदम। बच्चे आ गए? हाँ नहीं, पहले चलती है गेट की तरफ। हाँ नहीं, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ भैया, आ गए नमाज पढ़ के है ना। तो भाई 2 बज चुके हैं यहाँ पे, एक मिनट बेटा, एक मिनट में खोल लूँ। गाइस दोपहर का मेन्यू जो है ना हमारा यहाँ पे तो है पराठे, और उसके साथ है मक्खन, और यहाँ पे बूंदी का रायता, और फातिमा यहाँ पे भून रही है हमारे लिए चटनी। तो भाई अभी थोड़ी देर में सब कुछ तैयार हो गया, हमारे दस्तरखान पे पहुँचने वाला है। तो गाइस यहाँ पर हमारा दोपहर का खाना आ चुका है भाई, यहाँ पर है बेसन की रोटी, अचार, चटनी, दही और छोटा सा मक्खन, और यहाँ पे हमारा ये रायता बूंदी के साथ। तो भाई बड़ा बेहतरीन फातिमा, मतलब मेहनत वसूल हो गई भाई तुम्हारी, दिल खुश हो गया अगर मैं सुबह से भूखा हूँ ना, मगर मेरी पसंद का खाना बनाया है ज़बरदस्त एकदम। हाँ क्या कुछ कहना चाह रही थी तुम, बोल दो। मैंने कहा बगैर चूल्हे के मैंने आपको देसी खाना, बिना चूल्हे के मतलब चूल्हा नहीं है वो, मतलब लकड़ी के। अच्छा लकड़ी के, अच्छा तो गाइस मतलब गैलरी में चूल्हा जलाओ, हाँ लकड़ी का, इसके ऊपर देसी घी के पराठे हैं, बना बनाया बस यहाँ प्लेट में ज़्यादा धुआं हो जाएगा, ये गांव की बात है, गांव तक रखा करो, यहाँ दिल्ली में चलती हैं बातें सारी की सारी, यहाँ गैस आ चुकी है उसी से बनाओ बस। तो गाइस दोपहर का खाना पीना हमारा हो चुका है, अल्लाह तेरा शुक्र, अब हो रही है फातिमा को शाम के खाने की फिक्र। तो मैंने गाइस बनाई भिंडी, मतलब देख के इतना मूड खराब हुआ उसको, एक तो मेरी भिंडी वैसी बंद है मैं वैसे नहीं खा सकता, आलू मेथी यहाँ बहुत ज़बरदस्त हो रही थी आलू मेथी यार। और भाई आजकल गाइस है भैया, आजकल ये क्या चल रहा है मतलब रील्स पे व्हाट्सअप उस पर, जैसे देखो अपनी बर्थडे की तारीफ, कभी मेरी बर्थडे तारीफ नहीं मतलब कभी मेरी बर्थडे आने वाली है, मेरी बर्थडे आने वाली है, सब ऐसे अपनी रील्स बना बना के डाल लें, मतलब ऐसे अच्छा भी नहीं लगता यार कि मतलब अपनी ऐसे बारे में बताओ पहले से पहले, क्या अब मेरी आने वाली है मैं बता रहा हूँ किसी को, मैं तो किसी को भी नहीं बता रहा नहीं तो गाइस हाँ दिवाली की वजह से सबसे तरफ है ना डेकोरेशन चल रही है गाइस। गाइस मैं और फातिमा निकले थे फ्रूट कॉकटेल लेने के लिए, रौनक शुरू हो चुकी है भाई दिवाली की चारों तरफ, लाइटिंग वगैरह बढ़िया। तो गाइस हम लोग यमुना विहार आ चुके हैं अभी, साथ में इसके अगले वाले रोड पे चलना हमें। हाँ यार मॉल में तो फादर मिल जानी चाहिए थी आइटम, कमाल है भाई वो आइटम यहाँ नहीं मिल रही, और नहीं है मॉल यहाँ पर, और उसके बिना क्वालिटी बन नहीं सकती गाइस जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं। ये है बेकरी फातिमा, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ अबे हाँ यहाँ यहाँ शायद मिल जाए। हमें जो आइटम हमें चाहिए थी ना वो हमें मिल गई भाई, हाँ बड़ा ढूंढने के बाद मिली है, पूरी तरीके से सजाया नहीं गया अभी, दिवाली के तो अभी दिन है 24 तारीख की है। तो जी गाइस हम इतना घूमने के बाद अभी आ चुके हैं सिलमपुर, आसिफ जड़ी बूटी वाले हैं और एक आरिफ जड़ी बूटी वाले हैं यहाँ पे। तो भाई अभी आरिफ जड़ी बूटी वाले के यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो रही है क्योंकि त्यौहार का टाइम है, तो हम आ चुके हैं अभी आसिफ जड़ी बूटी वालों के पास। तो भाई हमें इनसे इनके यहाँ से लेनी है अभी रंग बिरंगी सिवैयाँ, जो कि हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही, अगर मिल जाती हैं तो थोड़ी सी हमारी डिश के अंदर रौनक हो जाएगी, और अगर नहीं मिलती हैं तो फिर अपनी शादी वाली सवैयों से काम चलाएंगे। तो भाई अगर आप लोगों को जानना है कि हम लोग कल क्या डिश बनाने वाले हैं तो कल वाला व्लॉग आप लोग हमारा ज़रूर देखिएगा, और वाकई में वो बहुत स्पेशल चीज़ है। पहली बात तो ये है गाइज़ वो बन जाए, क्योंकि पहली बार ही बनने जा रही है, कोई रेसिपी नहीं है हमारे पास उसकी, बस एक मतलब एक तरीका है, उसके तरीके से हम बनाना शुरू करेंगे, अल्लाह ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, वरना अल्लाह मालिक वो तो खैर आपको हमारे व्लॉग से पता चली जाएगा।
तो गाइस सब तरफ घूमने के बाद हम लोग आ चुके हैं अभी रोहतास नगर। और भाई रोहतास नगर के अंदर हमें किसी ने बताया कि रंग बिरंगी सवैया जो है वहीं पर मिलेंगी आपको। तो भाई यहाँ पे ट्राई करते हैं, अगर आखिरी दफ़ा अगर हम यहाँ पे नहीं कामयाब हो पाए तो फिर हम शादी वाली सवैया ही डालेंगे अपनी उस डिश के अंदर। और भाई अगर आप लोगों को मालूम हो तो भाई मैंने पिछले ब्लॉग के अंदर बताया था कि रोहतास नगर की मार्केट को और यमुना विहार की मार्केट को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है दिवाली के मौके पर। और हम हर साल दिवाली के मौके पर घूमने ज़रूर निकलते हैं फातिमा और बच्चों को लेकर। तो भाई इस साल भी हम लोग यमुना विहार रोहतास नगर ज़रूर जाएंगे। और आप देखिए मार्केट कितनी अच्छी लग रही है। तो गाइस आधा सामान तो हमें मिल चुका है अपनी डिश के लिए, और आधे सामान के लिए अभी फातिमा गई है सामने वाली दुकान पे। अगर मिल जाता है तो इंशाल्लाह कल इस डिश को जरूर बनाएंगे। वही समय डालो सिंपल वाली। ढाई घंटे हो गए तुम्हें स्कूटी पे घूमते हुए, अगर पता हो। गाइस देखिए बिल्कुल अभी अभी हम आए हैं और हानिया जो है ना हमारे लिए पानी, क्या कह रही हो बेटे बताओ, क्या कह रही हो आप, क्या कह रही हो हैं? देखिए जुहान की तरफ इशारा कर रही है कि पानी दो मम्मा को और डैडी को। अबे यार बच्ची भाई माशाल्लाह से कहते हैं दिमाग बहुत तेज़ है, हमने तो कैमरा बंद कर दिया था मगर एकदम से आई वहाँ से उठ के मम्मा की गोद में से उतर के। पानी कह रही हो आप हैं हानिया? हानिया अच्छा आ तो जाओ, आ जाओ ये मेरी रानी। अबे भाई भैया को क्यों दे रहे हो, भैया थोड़ी आए बाहर से। अच्छा भैया के जरिए से मुझे दे रहे हो, देखा तुमने किस तरीके से। हाँ पानी लेने गई है भाई वहाँ से। क्या कह रहा है बेटा? ये ढाई घंटे दो घंटे घूमने के बाद मिला ये सामान बड़ी मुश्किल से, मम्मा को जिद चढ़ गई है। एक आइटम यमुना विहार से, एक सिलमपुर से और एक मतलब रोहतास नगर से, तीन तीन जगह से हमने सामान इकट्ठा करा और अभी भी सही तरीके से नहीं आया। और गाइस जैसे हमें चाहिए थी ना फास्ट रही नहीं वाला पैकेट खोलना, सिमैया सिमैया दिखाओ सिमैया। तो हमें जो सिमैया चाहिए थी ना गाइस वो चाहिए थी कलरफुल। वैसे फातिमा कलरफुल वाली मिलती नहीं है, कलरफुल में खजला बनता है ना रमजानों में वो तो मिल जाता है ऑरेंज ग्रीन। हम ये वाली लेकर आए गोल्डन, अब यही डालेंगे उसके अंदर इंशाल्लाह। और थोड़ी सी डलेगी उसके अंदर सौंफ, ये वाली ग्रीन वाली नहीं गाइस, ये तो मैं अपने खाने के लिए लेकर आया हूँ, मजाक कर रहा हूँ। और यहाँ पर डलेगा ये फ्रूट कॉकटेल, ये भी बड़ी मुश्किलों से हमें मिला है। और इसका जो है ना ये कहाँ पे मिला है, कौन सी दुकान है, अगर आप लोग घर पे ट्राई करेंगे ना हम इसका कार्ड का मतलब कार्ड लेकर आए, वो कार्ड आपको अपनी वीडियो के अंदर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। गाइस रात के बज चुके हैं 11:05 और हमारे घर पे अभी खाना बनना हुआ है शुरू, जो कि फातिमा हो गई आज काफ़ी लेट खाना बनाने में। और यहाँ पर बन रहे हैं हमारे लिए कबाब और पुलाव बीफ के गोश्त की। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीफ के कबाब, और आप चिकन के बनाना चाहें तो कच्चे चिकन के भी बना सकते हैं आप। और उसके लिए मैंने सामान ले लिया है, यहाँ पर आधा चम्मच है भुना हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी और ये कुटा हुआ धनिया। ये थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि टेस्ट इससे ही आता है। और नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और आधा चम्मच है कुटी हुई मिर्च, एक नींबू और एक चम्मच है यहाँ पर भुने हुए चने, उसको मैंने पीस लिया है। और ये हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज, दो प्याज हैं छोटे ये, और चार हरी मिर्च हैं और हरा धनिया। और एक चम्मच डालेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। चलिए गाइस बनाते हैं इसको। गाइस कुकर में तेल डालने के बाद और यहाँ पे फातिमा ने डाल दिया इसमें प्याज और लहसुन, और अब डाला जा रहा है अदरक भी डाला इसके अंदर। अच्छा और ये है गरम मसाला, टमाटर और ये है अचार की मिर्च। गरम मसाला पूरा गरम मसाला है? पूरा गरम मसाला। अच्छा और ये यखनी पुलाव, और ये यखनी तैयार हो चुकी है पुलाव की। तो गाइस मैंने इसमें डाल दिया है बीफ और अब इसकी कर लेते हैं भुनाई। आज मुझे थोड़ी जल्दी हो रही है क्योंकि देर हो गई खाना बनाने में, बाजार के चक्कर में सामान ढूंढने के चक्कर। तो भाई असल में वो चीज भी तो जरूरी थी फातिमा, उसको लाना भी जरूरी था। और फातिमा को बड़ी जिद चढ़ी हुई है कि वाली मतलब रेसिपी फातिमा को बनानी ही बनानी है, और पता नहीं होना क्या उस रेसिपी का हमें भी नहीं मालूम, वो पता चलेगा कल सही बनेगी गलत बनेगी। अगर सही बन गई पहले तो फातिमा ब्लॉग में तो खैर दिखाएंगे ही। मैंने इतनी मेहनत करी है तो अच्छी बनेगी। तुमने करी है मतलब स्कूटी मैंने चलाई है, मेहनत मैंने करी है मतलब मैं आपके पीछे तो पीछे बैठी हुई तो थी खाली। यकनी का पानी इसके अंदर डल चुका है गाइस, बस अब चावल डाल लेंगे, चावल लगा के सीटी लगा और जल्दी कर लो भाई, भूख का जो है ना फटाफट मतलब बुरा हाल हो चुका है भूख, मतलब जैसी दोपहर को लग रही थी ना। अच्छा वो फातिमा तुमने पराठे अजीब ही खिलाए बना के भाई, भाई अब हजम हुए हैं वो जाके 11:00 बजे। हाँ,
वही तो बेसन के पराठे खिला दिए, वो इतने भारी हो गया, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा था यार, इतना भारी हो गया मैं बैठे बैठे। नहीं मुझे नींद आ गई थी उन्हें खाती, पता नहीं तुमने उसके अंदर क्या मिलाया था, कौन सा नशा करा था कि समझ में नहीं आया मेरे। तो गाइस मैंने इसमें चावल डाल दिए इतने से गिनती के, क्या कर आई है गिनती के, दो चावल मिले खाने के लिए। अच्छा पेड़े डाल दिए तुमने। अरे यार मैं कह रहा इतने से चावल पका रही हूँ, पता नहीं कौन से चावल लाई हूँ। गाइस यहाँ पे हमारे कबाब की चपलियाँ बननी तैयार हो गई हैं। चपलियाँ तो कहते हैं ना चपलियाँ तो बोलते हैं ना चपलियाँ कचलियाँ क्या बोलते हैं, चपरी कबाब, चपरी छपरी कबाब बनने का हमारे यहाँ पे आज छपरी कबाब। कच्चे बीफ की टिक्किया, ये क्या बात हुई, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, पता नहीं क्या कर रहा है। कच्चे बीफ की टिक्किया, कच्चे भाई कबाब है ये तो। फातिमा तुम क्या कर रही हो, कबाबी तो है ये, ये है कबाबी। फिर ये टिक्किया बन गई रख के, ये कच्चा है ना, कच्चा बीफ है ना। तो अच्छा वैसे तुम कबाब बनाती हो, वो क्या पक्के बीफ के बनाती हो? अच्छा तो भैंस को पहले तुम दाल खिलाती हो ले जाके, पता नहीं तुम क्या कर रही हो, तुम खाना बना या फिलहाल हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, भूख लग रही है बहुत तेज। यहाँ पे हमारा रात का खाना तैयार है और यहाँ पे फातिमा ने बनाई है पुलाव और उसके साथ बनाए ये कबाब। तो भाई कबाब का मतलब अब तुम खुल के बता दो, मतलब क्या मैटर है इसका, ये कबाब 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 क्यों नहीं हो रहे? कबाब ही है ये, लेकिन जब कच्चे बीफ के बनाते हैं ना तो उनको या तो टिकिया बोलते हैं। अच्छा चपली कबाब, चपली कबाब मतलब तुमने इसको गोश्त को उबाला नहीं है? नहीं। अच्छा मतलब इसमें चने की दाल वगैरह कुछ नहीं है? हाँ तो गाइस इसका टेस्ट भी इसी वैसे चेंज है, मैंने खा के देख लिया। अच्छा ये साइज में छोटे कैसे रह गए फातिमा, गोश्त कम था या मतलब जिसमें बना रहे थे वो बर्तन छोटा था? मतलब ये चलो ज्यादा कंफ्यूज मत हो गाइस, बढ़िया हो रहा है मतलब खाना। तो गाइस हमको ज्यादा इस कैमरे के अंदर गोरे गोरे नजर आ रहे हैं, असल में मैंने ना लेंस साफ कर रहा था इसका, वैसे हम इतने गोरे हैं नहीं असल में देखने में। हाँ मैंने लेंस साफ कर रहा था ना इसका, तो कुछ ज्यादा गोरे गोरे नजर आ रहे हैं। हमारी हालत खराब हो चुकी है। हाँ हालत किसकी वजह खराब हुई है, हालत हालत बता रही हो? हाँ यार ढाई घंटे दो घंटे तक हम ये लेडीज है ना मार्केट, तुम ले जाओ एक दफा इन्हें, मतलब किसी के बाप में मजा नहीं है अगर ये आ जाए वापसी। कोई कपड़े जूते ये थोड़ी लेने गई भाई, सामान गाइस इतनी देर में मिला है ना, वो मतलब वो ये रखा हुआ टेबल पे पीछे इतनी देर में मिला है। असल में ये जो डिश बनाने जा रही है ना फातिमा गाइस, ये है ही होनोलुलु की डिश है, ये होनोलुलु में खाई जाती है, तो इसका सामान होनोलुलु में मिलता है, अभी हमारा होनोलुलु जाना हो नहीं रहा। तो गाइस हम जिस मॉल में गए थे बहुत ही बुरा मॉल है। अरे मॉल क्या है वो गाइस, यहाँ पर है बाबरपुर में विशाल मेगा मार्ट। हाँ मॉल है मतलब विशाल मेगा मार्ट है, इतने बुरे कपड़े, हाँ किसी भी कपड़े पे रौनक नहीं थी। मैं कह रहा हूँ वो धूल भरा मार्ट है मेरी नजरों में यार, धूल भरा है हर चीज पे, धूल थी उनकी हर चीज पे, कोई भी चीज खाने की भी थी ना तो उस पे भी। अरे उसका मालिक भी मतलब मुझे लग रहा था 15-20 दिन से आया नहीं है, वो भी ऐसे बैठा हुआ था आगे दुकान पे, इतनी ज्यादा मतलब बेकार माहौल वो यार। रोहताश नगर कितना रोहताश नगर तो बहुत सजा रखा है, और अभी तक मार्केट खुली हुई है, अगर आप लोगों का आना हो रोहताश नगर तो आप लोग आ सकते हैं, 10:30 तक भी मार्केट अभी खुली हुई है। अभी एक हफ्ता पहले जिस टाइम हम मुजफ्फरनगर गए थे ना तो 9 बजे तक मार्केट बंद हो रही थी, मगर अभी दिवाली की वजह से परसों भी 9 बजे बंद हुई, परसों क्या लेने गए थे? हाँ परसों भी 9 बजे बंद हुई है, मगर अभी दिवाली आने वाली है ना, पहन लेने गए थे तो जब 9 बजे बंद हो, हाँ 9 बजे बंद हो रही थी जब भी। हाँ ऐसे हुआ है। तो ठीक है गाइस बंद करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही, सुमित से के साथ आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो ये वाली बात मैं बोलती, चलो बोलो नहीं इसी में बोलो। तो गाइस ये हमारा छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बस थक गई कैसे नहीं बोलते जुगते। तो ठीक है बंद करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही, सुमित के साथ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो बोलना नहीं आता भाई यार मुझे तो बोलने दो। तो ठीक है बंद करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही, सुमित के साथ आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई डिश लेकर,
उस डिश को आप लोग जरूर देखिएगा और अपने घर के अंदर जरूर ट्राई करिएगा। ओके अभी बंद करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ही। अल्लाह हाफिज़।